T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। इस टीम में कई ऐसे नाम हैं जो चौंकाने वाले हैं, तो कई नामों को शामिल न किए जाने से बहुत से क्रिकेटर और विशेषज्ञ हैरानगी जता रहे हैं इस लिस्ट में। लेकिन सबसे बड़ा नाम है जिसे शामिल नहीं किया गया है, वो है धाकड़ गेंदबाज मोहम्मद शामी। टीम इंडिया के लिए मोहम्मद शामी ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। जब भी उन्हें मौका मिला है, वो अपनी आग उगलती गेंदों से विपक्षी टीमों के हौसले पस्त करते हैं। ऐसे में जब T20 वर्ल्ड कप की टीम में मोहम्मद शामी को नहीं चुना गया तो हर तरफ हो हल्ला मच गया। लेकिन मोहम्मद शामी के पास अब मौका है टीम इंडिया में वापसी करने का। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 सितंबर से भारतीय टीम T20 के 3 मुकाबले खेलने जा रही है, जिसके लिए मोहम्मद शामी को भी चुना गया है। ये तीनों मुकाबले मोहाली और हैदराबाद के मैदान पर खेले जाएंगे। ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस है कि मोहम्मद शामी को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिले। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जब भी शामी को मौका मिला है, उन्होंने उसे खूब अच्छी तरह से भुनाया है। ऐसे में शामी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करके टीम इंडिया के सिलेक्टर्स को सोचने पर मजबूर कर देंगे कि उन्हें T20 वर्ल्ड कप की टीम में क्यों जगह नहीं दी गई है। दरअसल आपको बता दे कि शामी और आर अश्विन को लेकर सिलेक्टर्स कंफ्यूजन में थे कि इन दोनों में से किसे टीम इंडिया में रखा जाए, जिसके बाद कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा ने आर अश्विन के साथ जाने का फैसला किया। ऐसे में जाहिर है मोहम्मद शमी हर हाल में टीम इंडिया में शामिल होने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। वैसे आप क्या समझते हैं, वर्ल्ड कप T20 के स्क्वाड में मोहम्मद शमी की जगह बनती है या नहीं, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।